हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो जेई मेंस में पूछ लिया जाता है। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल का डिफिनेशन है, सिग्नल विच वेरिएस कंटिन्यूअसली विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। जो टाइम के साथ वेरी करता है उसको एनालॉग सिग्नल करते हैं। जैसे इसका ये ग्राफ है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसमें लॉजिक गेट में हमारा अभी हमको पढ़ना है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे और गेट क्या होता है। इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई देन आउटपुट इज़ आल्सो हाई। दैट मीन्स अगर कोई भी इनपुट हम हाई दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा आउटपुट भी वही होगा। जैसे इसका ट्रुथ टेबल है और ये हमारा है और गेट का फिगर है ये, ठीक है। और गेट इसी तरह होता है हमारा। इसका ट्रुथ टेबल ये है, एक्स एक्स और वाई। अगर ये एक्स है ये वाई है, अगर एक्स में जीरो दे रहे हैं वाई में जीरो दे रहे हैं तो इसका आउटपुट भी जीरो होगा। तो मतलब ये हाई कौन सा है, दोनों तो सेम है तो वही होगा हमारा आउटपुट। अब अगर एक्स हमारा जीरो है वाई वन है तो हमारा डिफिनेशन क्या था। इफ़ एनी आउट इनपुट इज़ हाई, इनपुट अगर दोनों में से कोई भी हाई रहा तो वही हमारा आउटपुट होगा। तो ये सब दोनों में से ये हमारा हाई है तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब दोनों में ये हाई है तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये सब दोनों में तो दोनों सेम है तो दोनों में से किसी को भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। समझ गए ना और गेट क्या होता है। और गेट होता है कि एनी इनपुट अगर हाई हुआ तो वही हमारा आउटपुट होगा। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम एंड गेट। एंड गेट क्या होता है। एंड गेट का फिगर ये है हमारा, ठीक है। और गेट में हमारा होता था प्लस, ठीक है ना, कि जो हमारा आउटपुट आया वो जुड़ जाएगा। लेकिन एंड गेट में होता है इनटू, ठीक है। अगर जो हमारा इनपुट जा रहा है वो हमारा आउटपुट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे जीरो हमारा, हम जीरो दिए, ए में जीरो दिए, बी में भी जीरो दिए, तो वाई हमारा वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ये भी जीरो आएगा। अगर अगर हम ए जीरो दिए और बी दिए वन, ए जीरो बी वन, तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो फिर ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो जीरो हो जाता है। फिर ये जीरो हो जाएगा, ये सब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा। अब देखेंगे हम नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट का हमारे पास फिगर ये है। नॉट गेट में होता है कि जो हमारा इनपुट हो जाएगा, जो हमारा इनपुट होगा उसका रिवर्स हो जाएगा आउटपुट। मीन्स अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होगा, इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो होगा, ठीक है। समझ में आ गया। थैंक यू।